शिवसेना ठाकरे गुट प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर शहर में कई क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में शहर शिवसेना ठाकरे गुट द्वारा सीताबर्डी स्थित वैरायटी चौक पर ऑटो चालकों को प्रथम उपचार बॉक्स बांटकर उद्धव ठाकरे का जन्मदिन मनाया गया। शहर के मुख्य परिवहन साधनों में से एक है ऑटो। गरीब से लेकर सामान्य तबके तक के सभी लोग आवाजाही के लिए जिसका उपयोग करते हैं, लेकिन कई बार सेवा देते समय ऑटो चालकों के साथ दुर्घटना भी हो जाती है, जिसके मद्देनजर शिवसेना ठाकरे गुट नागपुर शहर द्वारा पूर्व सांसद प्रकाश जाधव की उपस्थिति में प्रथम उपचार बॉक्स का वितरण किया गया। इस समय सांसद प्रकाश जाधव ने जानकारी देते हुए बताया कि आज शहर शिवसेना द्वारा उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर टेकड़ी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर उद्धव ठाकरे के दीर्घायुष की कामना की गई। साथ ही साथ उन्होंने विश्वास जताया कि देश उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। ऐसा है, हमारे साहब को उदंड यश और दीर्घायुषी होना चाहिए हमारे साहब, इसलिए हम लोग गणेश टेकड़ी में जाके प्रेयर किए, पूजा अर्चना हो गई। अच्छा उपक्रम कि हजारों लोग ऑटो रिक्शा में प्रवास करते हैं शहर में, लेकिन उस ऑटो रिक्शा में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। ये फर्स्ट एड बॉक्स अचानक कभी भी कोई इंसिडेंट हो जाता है उस समय ये अमूल्य काम करता है, और इसलिए ये फर्स्ट एड बॉक्स हजारों की तादाद में शहर में शिवसेना हर बार वाटअप करते रहेगी। आज उसका शुभारंभ हो गया और बर्डी में आपके सामने अभी हमने लोगों ने वाटअप किया है। अभी ये थोड़े देर के लिए और चलेगा, उसके बाद में आदिवासी एरिया और गाँव खेड़े जो वहाँ पे भी छत्तियाँ बांटी जा रही है, रात बेरात के लिए टॉर्च का उपयोग होना चाहिए, इसलिए टॉर्च वाटअप होने वाला है। कल महाप्रसाद और भोजन दान का कार्यक्रम शुरू है। शिवसेना के लिए ये ऊर्जा दिन है, शिवसेना के लिए शिवसेना पक्ष प्रमुख का जन्मदिन एक उत्साह की तरह हम लोग मनाते हैं। मेरे पक्ष प्रमुख बड़े से बड़े पद पे जाने से मुझे बड़ा आनंद होगा, और बैनर लगा वो भी कोई झूठा नहीं है, समय बता देगा, समय की फुकार भी है कि कोई अच्छा आदमी देश का पंत प्रधान बने, और वो क्षमता हमारे साथ में है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।